घर नहीं जाना क्या? काम धंधा है कि नहीं? जाइए जाके अपने तबेले में जाइए, जाके अपने गाय भैंसों को चारा वारा चराइए, अपने दूध का धंधा आगे बढ़ाइए। ये चश्मा पलमा जी का है, ये सोफा, ये पंखा और ये सठाया हुआ बाप, ये भी सब बोल दीजिए बलमा जी का है। बोलिए बोलिए, चुप क्यों हैं आप? शांति, ये लड़का तौहीन वालिद कर रहा है भाई। आप जरा चुप रहेंगे? हैं? चुप हो जाती भाई। तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो? मैं उन्हें रोज ऑफिस में देखती हूँ, मैं उन्हें इन चश्मों में रोज ऑफिस में देखती हूँ। अगर बात यह है ना आंटी, तो बड़े अफसोस के साथ आई एम सॉरी, मुझे यह कहना पड़ेगा कि जो बलमा जी है ना, वो नहायत ही छिछोरे किस्म के आदमी है, चीप मैन। एक नाइट लवर नाम का देसी दारू बार है, उसके ठीक बाजू में नैनसुक नाम की चश्मे की दुकान है, जहां एक चश्मा मांगो ऐसा तो हजार तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारते हैं लोग। क्या हुआ आंटी, यकीन नहीं हो रहा मेरी बात का? तो इनसे पूछिए, ये है वहां के राशन कार्ड होल्डर। भाई साहब, इतनी बदतमीज कहीं का आपका ये दामाद है, कहां से चुन के लाया आप इसे? अरे मैंने कहां चुना है, मैंने तो अपनी बीवी को भी ना चुना है। मेरा बस चले तो इन दोनों पे मैं बस चढ़ा दूं, लेकिन बेबस हूं, क्या करूं भाई। कोई बात नहीं, वर्मा जी आ रहे हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, बुला लीजिए। लेकिन आए क्यों नहीं अब तक? मैं फोन करती हूँ। फोन बज रहा है, फोन उठाओ। ओ, फोन उठा ले भाई। ओ, मैं आता हूँ। क्यों, यहाँ बैठ के बात करो। मेरी 56 चुरी का फोन है, करूं आपके सामने बात? करूं अश्लील बातें, फिर बोलते हो कि यार बड़े बुजुर्ग का लिहाज नहीं रहा, करूं अश्लील बातें? चाहे यू मे प्लीज गो। रुक, बहुत तो ऐसे कर रहे जैसे सुबह उठ के मां बाप के चरणामृत पीता है। जी तू 50 रुपए ले और कचौड़ी लेके आ जा। जा जा आ जा जा आ जा जा, जा आप चाय पीजिए। जी मोहतरमा। बलमा जी। जी जी, बस कहीं फंस गया था, ताबड़तोड़ हाजिर होता हूँ। ओके ओके। कचौड़ी। सर, सर कहाँ हैं आप? अनीशा जी, आप कहाँ हैं? मैं भी आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपको इतनी देर से ऑफिस के अंदर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन आप मिल नहीं रही हैं मुझे। एक्चुअली सर, हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं ना, इसीलिए कोई मिल नहीं पा रहा है। आप एक ही जगह पे खड़े हो जाइए और अपना हाथ उठा लीजिए, मुझे दिख जाएंगे आप। ओके ओके अनीशा जी, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। अनीशा जी, मैंने हाथ ऊपर कर लिया। अनीशा जी, मैंने हाथ ऊपर कर लिया। सर दोनों ही एक ही हाथ उठाइए। ओके ओके सर, सी यू। ओके ओके, थैंक यू अनीशा जी, बाय। थैंक्स बडी। ये क्या हो रहा है सर? अरे अनीशा जी ने कहा मैं लंबा हूं ना, इसलिए मुझे हाथ ऊपर करके खड़ा होना है, उनको जल्दी दिख जाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जाओ जाओ जाओ। वैसे मंदोत्री जी, अगर आप चाहें तो आज रात यहाँ पर
रुक सकती हैं। जी नहीं, बलमा जी आने के बाद कुछ जरूरी बातें करेंगे एंड आई विल लीव। थैंक यू। सुनो, तुम बाथरूम हो? अरे अभी तो कहते बाथरूम में। तो एक बार और हुआ? Yeah, he just went. अल्जाइमर, भूल जाते हैं ना कि बाथरूम का टाइम हो गया है। जा। क्या करूं वहां जाके? कुछ भी कर लो लेकिन बाथरूम चले जाओ। देखो जरा सा भी प्यार करते हो तो बाथरूम जाओ, जाओ, चले जाओ। जिंदगी पलित कर दी, गारत कर दी मेरी जिंदगी। जा रहा हूँ मैं, ये करके आओ, वो करके आओ, क्या करके आओ। मंदोदरी जी, आपके बाल बड़े ही सुंदर हैं। अरे हर वक्त यार परेशान। हाँ देखो इस तरफ से बहुत अच्छे लग रहे हैं, एकदम चमक रहे। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं आप? और चश्मे, चश्मे तो बहुत ही अच्छे हैं। आप भी गए? जी बस मैं तो यहीं पे दरवाजे पे ही, मतलब यू नहीं, अंदर गए थे, अंदर गए थे। अल्जाइमर, भूल जाते हैं कहाँ गए थे। मंदोदरी जी, मैं आपको कुछ करके बताना चाहता हूँ। मैं करके बताना चाहता हूँ, वो आप बताइए कौन सा कलाकार है। तो मैं आपको करके बताऊंगा, आप बताइएगा। आप तो पहचान लेंगे, आप तो समझ जा रहे हैं। देखिए ये देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मेरी कटोरी सही पहचान रही है बिल्कुल। ये ठीक अच्छा ये किसकी बताइए? कौन है? ये आप हैं। और कौन है? ये आप हैं। ओके वो मिली क्या? अरे मिल जाएंगी घमंडी, ऐसे छोटे छोटे ऑफिसों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो हो ही जाती है, क्या फर्क पड़ता है। तुम जाओ। शैतान कहीं हो क्या? बेस्ट ऑफ लक। अनीशा जी, कहाँ है कचौरी? भूख लग रही है मुझे। तो अभी तक यही है, कहाँ है तेरा बलमा? परमा जी आप आ गए? जी जरा फंस गया था। ये सनी मिले थे हमें बाहर, जाते जाते हमारे हाथ में कचौड़ियां दी, कहा कि जरा घर पहुंचा जाइए। वो छप्पन छुरी जी को मिलने गए। आइए बैठिए। जी बैठिए बैठिए। मदर, मनीषा अब तुम तो इन्हें पहचानती ही होगी। नहीं, किसी फिल्म का हीरो है या फिर इससे उधार लिया है? मैंने लिया है क्या? उधार का तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि हमारे पास खुद पैसे नहीं होते। बाय द वे, आप हमें नहीं पहचानती लेकिन हम आपको पहचानते हैं। आप अनीशा की नकचड़ी बहन है, मनीषा द रूड गर्ल। तो मैं क्या करूं, नाचू? फनी है।
वैसे मनीषा, ये बलमा जी है, हमारे कंपनी के चीफ अकाउंटेंट। स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, काबिल है, टॉल है, हैंडसम है, फेयर है। इनका शू साइज है 11, शर्ट साइज बस मोहतरमा, बस कीजिए, सबको समझ में आ गया। ये चीफ अकाउंटेंट जी, 18 का पहाड़ा सुना? डोंट बी सिली मनीषा, 18 का टेबल इस उम्र में किसको याद रहता है? मुझसे पूछो तो मुझे भी नहीं याद रहेगा। तुझे पूछूंगी भी नहीं, तुझे नहीं याद रहेगा, पता है मेरे को। मोहतरमा, बच्ची ठीक कह रही है, इसके सवाल में दम है। अगर हम इसे छोटा सा पहाड़ा नहीं समझा पाए तो फिर इसे जिंदगी का इतना बड़ा सबक कैसे देंगे? चलिए हम आपको 18 का पहाड़ा सुनाते हैं। 18 ones are 18, 18 twos are 36, 18 threes are 54, 18 fours are 72, 18 fives are 90, 18 sixes are 108, 18 sevens are 126, 18 eights are 144, 18 nines are 162, and 18 tens are 180. वाह, रट्टा अच्छा मारा है तूने जी। तेरे पे फूल बरसने चाहिए। I can do that. बलमा जी, सर आप एक मिनट चलेंगे प्लीज? विल यू वेट योर ओनली फॉर 5 मिनट्स? थैंक यू वेरी मच। चलिए वेरी सॉरी बर्मा जी, मुझे बिल्कुल शर्मासार हो रहा है। शर्मसार, यही कहना चाह रही थी ना आप? सेम थिंग जी। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी, मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ प्लीज। नहीं मोहतरमा, गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल, अगर आप फिर भी कुछ करना चाहती हैं तो कीजिए। आज रात को 9 बजे क्या कर रहे हैं? सूर्य नमस्कार करता हूँ। कैन यू स्किप द नमस्कार्स और आप मेरे साथ डिनर आ सकते हैं? मैं समझा नहीं जी। इट्स अनऑफिशियल। हैं जी? इट्स ऑफिशियल पर्पस। ऑफिशियल पर्पस डिनर जी, ऑफिशियल है तो आना ही पड़ेगा, तो आएंगे हम। नमस्कार। सूर्य नमस्कार, आइए। थैंक यू। मैं तो शुरू से ही था, वो तो आपने फूफा जी समझ के मुझे डांस में इन्वॉल्व कर लिया। चुटिया भी बांध दी आपने मेरी। मैं कितनी बार मैंने कहा है कि नॉक करके परमिशन लेके अंदर आया करो। आई एम सॉरी बुआ। बुआ, ये इतना बढ़िया बुके आपको किसने भेजा है? जिसने भी भेजा है, काफी रिसर्च की है मुझ पर। आपके ऊपर? मतलब मेरी पसंद ना पसंद के ऊपर।
आई एम इम्प्रेस्ड इन फैक्ट सैटिस्फाइड. वाह बुआ, अनीशा जी तो मुझसे इम्प्रेस ही नहीं होती. तुमने इम्प्रेस करने की कोशिश की, तुमने ये जानने की कोशिश की कि उसे क्या पसंद है और क्या नापसंद है. गधे, तुम्हारी शादी ना कभी नहीं हो सकती. पूरी बात सुन लो, जाओ पहले ये पता करो कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, समझे? अरे निशा जी तो आज आई नहीं. आएगी बेटा, आएगी. हैव पेशेंस. यस मुगा. वैसे बुके आपको किसने भेजा है? Somebody. Pressure Singh. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.